ये है मिर्जापुर, यहाँ कालीन भैया का राज चलता है। हम पहले भी तुम्हारे मालिक थे और आज भी, गद्दी पर चाहे हम बैठे हैं या मुन्ना, नियम सेम होंगे। और हाँ, हम एक और नियम ऐड कर रहे हैं, गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम चेंज कर सकता है। बे, हमारा उद्देश्य एक ही बे, जब हम मारेंगे जान से मारेंगे तभी तो हम जीत पाएंगे बे। तूने मुन्ना को मारा, मैं बोल कॉलिन भैया, इसकी खोपड़ी खोल देता हूं मैं। रुको मकुल, हम इसे मारेंगे नहीं, हम इसकी लेंगे, वो भी तोल तोल के। अरे अपने पास तो कांटा तराजू भी ना है। अबे साले भड़वे, मतलब अब नाम इसका होगा और काम हमारा। मतलब ओ मतलब भाई भोसड़े के मकबूल सुनाए ना आज तुझे। कौन है मतलब? मतलब बुला जा रहे हो, मेरा नाम तो मकबूल है। जो भी है, तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काली भैया? तुम्हें इलेक्शन वाले पोस्टर छपवा के क्योंकि जगह जगह पर छपवा के होंगे, क्योंकि ऐसा करके हमें मुन्ना का हर एक ख्वाब पूरा करना होगा। मुन्ना का ख्वाब? हाँ। तुम कर दोगे पूरा? उसे तो रोज नई से नई लौंडियां चाहिए, और तो और उसने तो अपनी अम्मी को भी ना छोड़ा। बस मकबूल, हमारी औलाद है वो, हमारा लौंडा है वो, तुमसे जो हम बोल रहे हैं वो करोगे। पर कालीन भैया, गुड्डू भैया की तो बहन भी इलेक्शन लड़ रही है। मकबूल इसे ही तो कह रहे हैं 36 का आंकड़ा। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ तुम्हारा। मकबूल जाओ बैठने के लिए कुर्सी लाओ। तो उठ, उठ, अबे उठ भोसड़ी। क्या जाओ गुड्डू को बुला कर लाओ। अबे गुड्डू, हम तुम्हें इलेक्शन लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। चूतिया हो बे, एक नंबर के तुम कालीन भैया। मुन्ना 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 गोली मार के खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं, हमें मुन्ना का ख्वाब पूरा करना है। अब तुम इलेक्शन लड़ोगे भी, वो भी अपनी बहन के सामने। इसका मतलब अब कालीन भैया तुम्हारी माँ बहन? बिल्कुल ठीक, एक कर देंगे। हम पहले भी मिर्जापुर के किंग थे और अब भी। अबे तुम इलेक्शन भी लड़ाओगे बे और मुझे धंधा भी कराओगे बे, और गोली मार के मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? अब यही हमारे मुन्ना की मौत का सपना है। अब तुम इलेक्शन भी लड़ोगे और हमारे लिए काम भी करोगे। हम पहले भी मिर्जापुर के किंग थे और आज भी। अबे ये तो पता है, आगे का बताओ कालीन भैया। इस बार हमें पिछली बार के मुकाबले कट्टों का कारोबार ज्यादा करना है। यार कालीन भैया, यार कैसी बात कर रहे हो यार, तमंचे क्या ले करो यार। यार गुड्डू भैया देख रहे हो, मुझे ऐसा लगा जाए फिर से सीमेंट का काम चालू कर रहा है यार, तमंचे क्या ले करो। हाँ ठीक है मकबूल, मतलब मकबूल। मकबूल गुड्डू भाई, इस बार हम एडवांस में काम करेंगे, पहले लेंगे।
तो गुड्डू भाई पहले लेंगे हम। तो तुम चूतिया हो बे, मतलब क्या हो गया? पहले हम कैश लेंगे, बाद में कट्टों का कारोबार करेंगे, कट्टे देंगे। मतलब गुड्डू भाई सीमेंट का काम करोगे तुम? अबे कट्टों का काम करेंगे बे। अबे तो तमंचे बोलो ना, कट्टे बोल रहे हो। गुड्डू भाई मैं सोच आलू के कट्टे, सीमेंट के कट्टे। अबे साले चूतिया हो बे तुम, मिडिल क्लास आदमी हो बे, इसलिए साले तुम बॉडीगार्ड थे और बॉडीगार्ड ही रहोगे कालीन भैया के पीछे। इस बार हम एडवांस में काम करेगा बे, एक हाथ मान लेंगे एक हाथ पैसा देंगे। चूतिया समझे हो बे? गुड्डू भैया मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रंडियाँ टाइम पे पहुंच जानी चाहिए, मतलब माल टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। यार ना बुलाओ, टाइम पे पहुंच जाएगा माल। ठीक है, एडवांस नहीं। यस एडवांस कट्टे पहुंचा दिए। पता करो फोन करके कि हम कितने वोटों से जीत रहे हैं। अरे कालीन भैया फोन करने की क्या जरूरत है, अरे जीत तो अपनी पक्की है। कांग्रेस कालीन भैया लड्डू मंगवा लो। साले जब तुमसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है तो क्यों मां बहने कर रहे हो? लड्डू मंगवा लो। अबे साले गुलाब जामुन ना मंगवा ले भड़वे। बस साले तुम्हें लड्डू की बड़ी है, गुड्डू के बारे में सोचो, मुझे अब भी उस पर शक लग रहा है। मकबूल ये गुड्डू फोन की उठा रिया बे। कालीन भैया मेरा फोन भी ना उठा रिया, आओ चल के देखते हैं। क्या बस गुड्डू हमारा फोन क्यों उठाया बे? अपना टाइम आ गया बे कालीन, अब नाम भी हमारा होगा, काम भी हमारा होगा, पैसा भी हमारा होगा, गद्दी भी हमारी होगी और नियम भी हमारे होंगे। और कान खुल के सुन ले बे कालीन, यही है बबलू की मौत का बदला। अब मिर्जापुर की गद्दी होगी सिर्फ और सिर्फ गुड्डू की, और अब चलेगी गुड्डू की गन।